जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टार्ट मेल मर्ज का यूज बताऊंगा कि कैसे आप एमएस वर्ड के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट मेल मर्ज की बात करूं तो इसको हम मेल मर्ज मतलब मेलिंग भी कहते हैं, जो ऑफिसों के अंदर मेलिंग का हमारा काफी यूज होता है। दोस्तों, इस वीडियो का बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपके ऑफिसों में सबसे ज्यादा यूज की जाएगी। आप किसी ऑफिस के अंदर डेटा रिलेटेड से वर्क करते हो, आप किसी डेटा ऑपरेटर से रिलेटेड वर्क करते हो, तो आपको वहां पर हो सकता है कि ये मेल मर्ज का यूज करना पड़े। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। मेल की शुरुआत से वेलकम टू माई चैनल LS डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपका स्टार्ट मेल मर्ज, सेकंड ऑप्शन आपका सिलेक्ट एंड रिसीव्ड, और थर्ड ऑप्शन आपका एडिट रिसीव्ड लिस्ट। तो मैं स्टार्ट मेल मर्ज की बात करूं तो यहाँ पर हम स्टार्ट मेल मर्ज पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस शो होंगे, जैसे आपका लेटर्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो ईमेल मैसेज, एनवेलप, लेबल्स, डायरेक्टरी, और एक ऑप्शन आपका स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो जैसे मुझे क्या करना है, एक लेटर सेंड करना है, मेरे पास एक लेटर है, उस लेटर को काफी सारी मेल आईडियों पे क्या करना है, मेल करना है, सेंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेटर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, या तो आपको एक साथ काफी मेल आईडियों पे वन टाइम वन क्लिक के साथ ही सेंड करना है, या फिर आप चाहते हो आपका एक लेटर है और उस लेटर को काफी सारे इम्प्लॉइज है, उनको अलग अलग क्या करना है, मुझे बाय पोस्ट भेजना है, तो मैं चाहता हूं कि उनको एक ही बार के अंदर क्या कर दूं, मैं इनको प्रिंट कर दूं। तो इसके लिए भी हम यहां पर क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना वो लेटर लेना होगा, जिस लेटर को आप क्या करना चाहते हो, पोस्ट करना चाहते हो या मेल करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उस लेटर को टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन या जो भी आपका लेटर है वो आप टाइप कर लीजिए। फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैंने पहले से टाइप किया हुआ, मतलब एक लेटर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो मेरा एक लेटर क्या, अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से, ये मेरा यहाँ पर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर। अब इसी लेटर को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर फिलहाल कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अपनी फाइल के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किस पर क्लिक किया हुआ है, फिलहाल लेटर पर क्लिक किया हुआ है। तो देखिए, उस लेटर को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी से क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। अब पेस्ट करने के बाद ये मेरा एक अपॉइंटमेंट लेटर है। अब इस लेटर को मैं क्या चाहता हूँ, मल्टी एम्प्लॉइज के लिए प्रिंट करना है, और उसके अंदर क्या करना है, अलग अलग उनकी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट नेम, उसका एड्रेस, पिन कोड, फिर यहाँ पर हमारा क्या है, वापस हमने यहाँ पर कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, डेजिनेशन, उसकी डेजिनेशन क्या है, किस कंपनी से, मतलब किस कंपनी के अंदर उसकी ज्वाइनिंग लेटर आया है, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर किस कंपनी से आया हुआ है, फिर से वापस यहाँ पर डेजिनेशन दी हुई है, और रिपोर्ट, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वहां पर जाके उससे किससे मिलना है, उसका नेम और उसकी जॉब पोस्टिंग, किस सिटी के अंदर उसकी पोस्ट होगी। तो इस टाइप से ये लेटर मुझे बना के क्या करना है, हर एम्प्लॉइज के लिए सेंड करना है, भेजना है, या मैं चाहता हूँ उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस यहाँ पर आप स्टार्ट मेल मर्ज पर आएंगे। स्टार्ट मेल मर्ज पर आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। या तो आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट से भी कर सकते हो, मैं आपको दोनों ही ऑप्शन बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर किस पर क्लिक करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखेंगे आपको यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर मेल मर्ज का एक ही पॉइंट शो हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारा क्या है, लेटर, मैंने यहाँ पर लेटर पे क्लिक किया, लेटर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए क्या है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको यहाँ पे किस पर क्लिक करना है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा क्या, यूज करेंट डॉक्यूमेंट, मतलब मुझे इसी डॉक्यूमेंट्स पर इसको काम करना है, या आपके पास कुछ टेम्पलेट्स बनी हुई तो आप यहाँ से टेम्पलेट्स भी ले सकते हो। फिलहाल जो मेरा करेंट डॉक्यूमेंट है मुझे उसी पर वर्क करना है, तो इसके बाद में फिर से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, यूज ए एग्जिटिंग लिस्ट, या फिर सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, मतलब आपके पास में आउटलुक कॉन्टेक्ट है उन पर भी आप साइन करना चाहते हो तो आप वो यूज कर सकते हो, या फिर टाइप ए नी लिस्ट।
तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप एनी लिस्ट, क्योंकि मेरे पास कोई लिस्ट बनी हुई नहीं है। तो यहाँ पे मैं टाइप एनी लिस्ट पे क्लिक करूंगा। टाइप एनी लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हम किस पर आएंगे, क्रिएट पर। यहाँ पर हम क्रिएट पर आएंगे। क्रिएट पर आने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो न्यू एड्रेस लिस्ट का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे टाइटल्स, मतलब कुछ हेडिंग्स आपको दिखाई दे रही है। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, एड्रेस वन, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये काफी सारी डिटेल्स हैं। मुझे क्या करना है, मुझे अपने वर्क के अकॉर्डिंग इनमें मेन मेन कंटेंट चाहिए। तो या तो आपको जो कंटेंट चाहिए वो आप यहाँ पर खुद बना लीजिए, या फिर हम क्या करते हैं, इसको कस्टमाइज कॉलम का यूज करते हैं। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, कस्टमाइज कॉलम्स। हम यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट का एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन होगा। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये सारे जो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही थी, ये वाली, यही सेम आपको यहाँ पर शो हो रही है। अब आपको इनमें से जो चाहिए आप उसको रख लीजिए, अदरवाइज उनको क्या करते जाइए, आप डिलीट करते जाइए। जैसे मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, टाइटल को डिलीट कर दे, ठीक है। फर्स्ट नेम मुझे चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक ही के अंदर फिल कर दूंगा। या आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चाहिए, आप चाहते हो फर्स्ट नेम अलग लिखना चाहते हो, लास्ट नेम अलग लिखना चाहते हो, तो आप अलग लिख सकते हो। या फिलहाल मैं एक ही कॉलम के अंदर फर्स्ट नेम या लास्ट नेम दे दूंगा, तो इसलिए क्या करता हूँ, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्लियर, यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया। उसके बाद कंपनी नेम चाहिए, मेरा एड्रेस में एक ही लाइन में फिल कर दूंगा तो सेकेंड एड्रेस को मैं हटा देता हूँ। यहाँ से फिलहाल मैं सिटी को भी हटा रहा हूँ क्योंकि मैं एड्रेस के अंदर ही सारी डिटेल्स इसमें फिल कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, कि ऐसा नहीं कि आप भी डिलीट करें। आपको जो जो कंटेंट इसमें चाहिए आप उनको रख सकते हो। ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, मतलब अपने इम्प्लॉइज की डिटेल्स फिल करनी है, जिस जिसको आपको ये लेटर सेंड करना है या आपको इस लेटर प्रिंट करना चाहते हो, जिसके लिए लेटर प्रिंट करना चाहते हो उनके नाम आपको यहाँ पर शो कराने। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहन सिंह, यहाँ पर मैंने लिखा मोहन सिंह, उसके बाद एक कंपनी दे देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल मैं मान चलिए यहाँ पर कंपनी दे देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंपनी दे दी एलजी, ठीक है। एड्रेस यहाँ पर मैं एड्रेस दे देता हूँ, कोई भी एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल मैंने एड्रेस दे दिया यमुना विहार दिल्ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पिन कोड दे दिया। तो आपको इसमें इस टाइप से डिटेल, अब ये रिपोर्ट किसको करेगा उसका नेम दे दीजिए। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर ये रिपोर्ट करेगा किसको, राम शर्मा को। और उसके बाद उसकी डेजिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पर मैं डेजिनेशन दे देता हूँ एचआर। सिटी, किस सिटी के अंदर इसकी पोस्टिंग होगी, तो यहाँ पर हम सिटी दे देते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने दे दिया नोएडा। ओके, तो एक नाम की मेरी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। एंट्री होने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर न्यू एंट्री। जैसे आप यहाँ पर न्यू एंट्री पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू एंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आप फिर से न्यू एंट्री दे दीजिए। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर रमेश कुमार, उसके बाद यहाँ पर हम कंपनी नेम दे देते हैं, यहाँ पर कंपनी नेम दे दिया। इसका हम एड्रेस फिल कर देते हैं, एड्रेस मैंने एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पर खराबल नगर, ये मैंने एड्रेस दे दिया। क्लियर, तो आप इस टाइप से, अब ये रिपोर्ट किसको करेगा, यहाँ पर मैं रिपोर्ट दे देता हूँ, ये रिपोर्ट करेगा मुकेश कुमार को, ये। उसके बाद इसका डिपार्टमेंट क्या होगा, मतलब इसकी डेजिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पर मैंने सीओ दे दिया। और इसको मैं यहाँ पर किस सिटी के अंदर ये ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पर मैंने दे दिया गुरुग्राम। ओके, फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू एंट्री। तो आपको क्या करना है कि आप इस टाइप से जितने भी आपको एड्रेस चाहिए, आपको जितने भी इम्प्लॉइज का डेटा चाहिए, उन डेटा की रिकॉर्ड यहाँ पर आप बना लीजिए। रिकॉर्ड बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आपको क्या मांगेगा, ये नेम मांगेगा सेव का, कि आप किस नाम से इसको सेव करना चाहते हो। तो आपको जिस नाम से सेव करना है वो नेम आप दे दीजिए। नेम देने के बाद आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। क्लियर, तो ये तो मैंने आपको बताया टाइप इन नी लिस्ट के द्वारा। या फिर आपके पास में पहले से कोई लिस्ट बनी हुई है, आपके पास पहले से लिस्ट बनी हुई है, तो फिर आप यहाँ पर टाइप इन नी लिस्ट का यूज नहीं करेंगे। आप किसका यूज करेंगे, यूज ए एग्जिटिंग लिस्ट। मैं यहाँ पर जैसे यूज ए एग्जिटिंग लिस्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मेरा ब्राउज। यहाँ पर मैं ब्राउज पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं ब्राउज पर क्लिक करूंगा तो देखिए, जब हम वहां पर फाइल सेव कर रहे थे तो सेव करते समय जो हमारी जो फाइल सेव होती है वो माय डेटा सोर्स के अंदर सेव होती है। जो अभी मैंने दो नामों की एंट्री करी थी वो फाइल भी मैं सेव करता तो इसी के अंदर सेव होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से एक फाइल सेव की हुई है अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से, तो उस फाइल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर वाली। तो यहाँ पर जैसे मैं ओपन करूंगा तो आप एक चीज देखना कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन अभी आपके एक्टिव नहीं है, मतलब ये वर्क नहीं है। लेकिन जैसे मैं इस फाइल को यहाँ पर ओपन करूंगा तो याद रखना ये फाइल आपकी पेज के अंदर नहीं ओपन होगी। आप नॉर्मल किसी फाइल को ओपन करते हो, फाइल में जाके ओपन करते हो तो क्या होती है, वो फाइल आपकी पेज के अंदर ओपन होती है, पेज पर ओपन होती है। लेकिन ये फाइल आपके पेज पर ओपन नहीं होगी, ये जो फाइल ओपन होगी आपके इन ऑप्शनों के अंदर ओपन होगी। ठीक है, आपके जो ऑप्शन शो रहे हैं इनमें ये ओपन होगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर पर क्लिक करता हूँ और करता हूँ ओपन। जैसे ही ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद में देखिए आपकी फाइल यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो आप इसके अंदर भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेटर पर क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे तो देखेंगे तो ये फाइल्स वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बनाना बता रहा था। यहाँ पर मैंने कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, कंपनी, डेजिनेशन, एड्रेस, पिन कोड और पोस्ट सिटी, और उसके बाद में रिपोर्ट वही बना रखे हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 10 एम्प्लॉइज की रिकॉर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपको और न्यू एंट्री बनानी है तो यहाँ से न्यू कर सकते हो, किसी को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, फिर से वापस आपको कस्टमाइज कॉलम करना है तो कस्टमाइज कॉलम, मतलब आप इसको इस टाइप से एडिट कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको कोई एडिट नहीं किया है, मैं सिर्फ क्या करता हूँ ओके। जैसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे तो आपके ये ऑप्शंस क्या हो गए, एक्टिव हो गए। क्लियर है, अब आपके यहाँ पे ये ऑप्शंस एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या मांग रहा है, कैंडिडेट नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर किस पर आऊंगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर। यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड पर आऊंगा तो यहां से मैं क्या ले लेता हूँ, कैंडिडेट नेम ये लिया। उसके बाद दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एड्रेस। तो यहाँ पे मैं एड्रेस को सिलेक्ट करूंगा और यहां से क्या ले लेता हूँ, एड्रेस। पिन कोड, तो यहां से मैं पिन कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका, ये। उसके बाद वापस यहाँ पे कैंडिडेट नेम है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ फिर से, और इस पर फिर से मैं कैंडिडेट नेम। उसके बाद यहाँ पर डेजिनेशन, उसकी डेजिनेशन क्या है, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां से इसकी डेजिनेशन शो करा लूंगा। नेक्स्ट है हमारा कंपनी का नेम, तो कंपनी का नेम क्या है, तो यहाँ पे हम कंपनी नेम को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम क्या शो करा लेंगे, कंपनी नेम। क्लियर, फिर से वापस यहाँ पे डेजिनेशन है इसकी, तो मैं यहाँ पर फिर से डेजिनेशन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर डेजिनेशन शो करा लेता हूँ इसकी। और यहाँ पर ये रिपोर्ट किसको रिपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर मैं रिपोर्ट वाले नेम को सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं रिपोर्ट को ले लूंगा। लास्ट बचेगा मेरा सिटी, मतलब किस सिटी के अंदर उसकी पोस्टिंग है, तो यहाँ पे इंसर्ट पर आता हूँ और पोस्ट सिटी ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो भी मेरे कंटेंट थे वो मैंने क्या कर लिए, इंसर्ट करा लिए फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इनको इंसर्ट करा लिया। अब इंसर्ट कराने के बाद में अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके वही डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है जो हमने यहाँ पर दी थी। लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कैंडिडेट नेम दिया था, जो मेरे एड्रेस दिया था, जो पिन कोड दिया था, वो शो कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम आएंगे यहाँ पर किस पर, प्रीव्यू रिजल्ट पर। तो यहाँ पे मैं जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा कैंडिडेट नेम आ गया राम शर्मा, यहाँ पर उसका एड्रेस आ गया, पिन कोड आ गया, यहाँ पर फिर से कैंडिडेट नेम, और यहाँ पर देखेंगे तो उसकी पोजीशन क्या है, मतलब उसको किस पोस्ट पर जॉब करेगा, एचआर। ठीक है, किस कंपनी के अंदर, हीरालाल प्राइवेट लिमिटेड। वापस यहाँ पर मैंने इसका जॉब टाइटल दे दिया। अब रिपोर्ट किसको करेगा, श्याम सुंदर सिंह को, और इसकी पोस्टिंग कहां पर है, नोएडा। क्लियर, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करूंगा तो देखिए क्या आ गया, कृष्णा गुप्ता, एड्रेस आ गया उसका, यहाँ पर सीओ सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, सीओ किसको रिपोर्ट करेगा, मोहन सिंह को, पोस्टिंग कहाँ है, गुड़गांव। फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए जितने भी मैंने उसके अंदर नेम दिए थे वो सारे नेम आपको यहाँ पर शो कराएंगे, श्याम सिंह, एड्रेस, उसका पिन कोड, एमआर के लिए ज्वाइनिंग करेगा हीरालाल लिमिटेड के अंदर, और किससे कॉन्टेक्ट करेगा, रोहित कुमार से, ज्वाइनिंग इसकी नोएडा। फिर से वापस मैं नेक्स्ट करूंगा तो देखेंगे किशन, एड्रेस आ गया उसका, सीओ एलजी प्राइवेट लिमिटेड, किससे जाके कॉन्टेक्ट करेगा, ओम सिंह से, गुड़गांव। तो ये क्या थे, जितने भी मैंने नाम दिए थे ये देखेंगे तो आपको सबके नाम यहाँ पर अलग अलग शो होंगे। मैंने यहाँ पर 10 नाम दिए थे तो 10, मैं यहाँ पर फर्स्ट पर क्लिक करूंगा तो फर्स्ट, लास्ट पर करूंगा तो लास्ट, और एक एक करके आऊंगा तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर करके एक एक करके जा सकता हूँ, या एक एक करके बैक आऊंगा तो यहाँ से मैं एक एक करके बैक आ सकता हूँ। यही ऑप्शन आपके यहाँ पर भी है, मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये एड्रेस और उसके ग्रीटिंग लाइन का ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुझे यूज नहीं करने। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रीव्यू योर लेटर्स, तो यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा तो देखिए इसका प्रीव्यू शो करेगा,
और कंप्लीट मेल मर्ज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसको प्रिंट करना है या इंडिविजुअल करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने 10 नाम दिए हैं उन नामों के लिए अलग अलग इसको क्या करना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करूंगा तो मुझे क्या करना है, ऑल रिकॉर्ड्स। मैं यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद कर देता हूँ ओके। जैसे ही ओके करूंगा तो देखिए ओके करने के बाद आपके पास प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए। जैसे प्रिंटर कनेक्ट होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करके रख लेता हूँ। इसको क्या करता हूँ, एक पीडीएफ फाइल बना के रख लेता हूँ। तो पीडीएफ पे क्या होगा कि एक पीडीएफ मेरी बन जाएगी 10 फाइलों की, फिर उससे मैं क्या है कहीं से भी प्रिंट करा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ उसके बाद कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। किस नाम से, मैं यहाँ पर लेटर नाम से इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और सेव कर रहा हूँ फिलहाल मैं डेस्कटॉप पर। यहाँ पर मैंने इसको डेस्कटॉप दिया, उसके बाद कर दूंगा सेव। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद अब देखिए इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने लेटर के नाम से उसको सेव किया था। तो यहाँ पे मैं लेटर पे जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो डबल क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका एक लेटर हमारे यहाँ पर बन चुका है अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, ये आपका राम शर्मा, उसका एड्रेस, पिन कोड, मिस्टर राम शर्मा, एचआर डिपार्टमेंट, हीरा लाइब्रेरी लिमिटेड, एचआर, और किससे रिपोर्ट देना है इसको, श्याम सुंदर सिंह को, और नोएडा पोस्टिंग। तो ये तो हुआ हमारा किसका, राम शर्मा का। अब मैं आता हूँ नीचे, तो देखिए यही आपकी पीडीएफ देखेंगे तो नीचे आएंगे, तो आप नीचे देखेंगे तो किसका है, नीचे देखेंगे तो नीचे क्या हमारा कृष्णा गुप्ता। अब कृष्णा गुप्ता का देखेंगे तो ये आपका अलग एक लेटर किसका बन गया, कृष्णा गुप्ता का। तो ये आपका एक अलग प्रिंट होगा। फिर से हम नीचे आएंगे तो देखेंगे ये किसका बन गया हमारा, श्याम सिंह का, ठीक है। तो आपके जो 10 लेटर थे वो 10 लेटर आपके क्या है, अलग अलग यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब जो आप प्रिंट करेंगे तो एक एक सेपरेट सेपरेट पेज पर क्या हो जाएंगे, ये आपके 10 प्रिंट बनेंगे, ठीक है। और आप इन 10 प्रिंट को फिर क्या करेंगे, आप एनवेलप में रखे इनको क्या कर सकते हो, बाई पोस्ट भेज सकते हो। तो आप एक तो स्टेप से यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या करना चाहते हो, इसको बाई मेल सेंड करना चाहते हो। तो देखिए मेल से पहले मैं इन ऑप्शनों को यहां से एक बार फिर से बताता हूँ। फिलहाल मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज की, न्यू पेज लेता हूँ वापस, फिर से मैं मेल मर्ज पर आता हूँ। अब यहाँ पर मैंने बताया था एक तो आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, या फिर मैं वापस लेटर पर क्लिक करता हूँ। लेटर पर क्लिक करने के बाद मैं किस पर आता हूँ, सिलेक्ट। जैसे देखिए मैं सिलेक्ट पर आऊंगा तो जो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप के अंदर ऑप्शन आए थे वो सेम आपको डायरेक्ट यहीं पर शो करा देगा। टाइप इन लिस्ट पर क्लिक करेंगे आप, तो जैसे आप यहाँ पर टाइप इन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए वही ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो गए, ठीक है। आप कस्टमाइज कॉलम करेंगे तो आप कस्टमाइज कॉलम करें, यहाँ से जो जो कॉलम्स आपको रखने वो कॉलम्स आप रख सकते हो, अदरवाइज उनको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या करेंगे, यूज ए एग्जिटिंग लिस्ट। जैसे आप यहाँ पे यूज ए एग्जिटिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये फाइल आपकी क्या है, यहाँ पर ओपन होगी। आपके पास में जो एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ये मेरा एप्लीकेशन है, अब इनको क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पर इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पर गया, यहाँ से मैंने इसको कैंडिडेट नेम शो करा लिया, इसका एड्रेस ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने एड्रेस लिया और मैंने यहाँ पर पिन कोड लिया इसका, ये। तो जहां जहां पर मुझे इसकी डिटेल चाहिए उसको सिलेक्ट करके वहां पर मुझे क्या करनी है, उसकी डिटेल इंसर्ट करा लेनी है, ठीक है। ये उसके बाद इसकी पोस्ट, इसके हम यहाँ से डेजिग्नेशन शो करा देते हैं, ये कंपनी, यहाँ पर मैं कंपनी इंसर्ट करा देता हूँ उसकी, यहाँ से इसकी कंपनी नेम। उसके बाद वापस मुझे यहाँ पर डेजिग्नेशन शो करानी है इसकी, तो यहाँ पर मैंने डेजिग्नेशन ली फिर से ये, और रिपोर्ट किसको रिपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर मैं रिपोर्ट ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने रिपोर्ट ली। और लास्ट आ गया मेरा पोस्ट सिटी, तो यहाँ पर मैं सिटी को सिलेक्ट करता हूँ कि किस सिटी के अंदर उसकी पोस्टिंग है, तो यहाँ पर मैंने सिटी ले ली, क्लियर। तो ऐसे सेम जैसे मैंने स्टेप पहले अप्लाई किए थे वैसे आप यहाँ पे हम किस पर क्लिक करते हैं, प्रीव्यू पर। जैसे आप यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्रीव्यू, क्लियर। इसके अंदर एक ऑप्शन है आपका क्या, एडिट का। यहाँ पर आप एडिट पर आएंगे तो इसके अंदर आपको कुछ भी एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल्स दिखाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एडिट पर क्लिक करना है। आप एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको किसी का नेम गलत लग रहा है, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, जो भी आपको एडिटिंग करनी है इसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो। कोई न्यू एंट्री बनानी है, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए आपने पहले 10 नामों की बनाई थी, अब आपको एक दो नाम और इसके अंदर ऐड करने,
तो आप न्यू एंट्री से एंट्री कर सकते हो, या किसी की आपको एंट्री डिलीट करनी है तो आप एंट्री डिलीट भी कर सकते हो। या आपको कोई कॉलम कस्टमाइज करना है, या कोई कॉलम ऐड करना है आपको, या कोई कॉलम डिलीट करना है, या कोई कॉलम आपको रीनेम करना है, तो यहाँ से आप कॉलम का भी यूजेस कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा यूजेस होगा किसका, एडिट का। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप के अंदर ये ऑप्शंस बताए थे लास्ट में चल के, वही ऑप्शन मेरे यहाँ पर फिनिश पर आ जाएगा। फिनिश पर आएंगे, फिनिश पर आने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेंड ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज देखिए, यहाँ पर मैं ईमेल का यूजेस करता तो क्या करते हम उसके अंदर यहाँ पर मेल आईडी भी साथ ही साथ रखते, तो क्या कर सकते थे फिर हम सेंड ईमेल मैसेज के द्वारा उसको सेंड कर सकते थे जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं। सेंड ईमेल मैसेज के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा और उसमें आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि कैसे आप इनको सेंड कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको किस पर आता हूँ, फिनिश पर आता हूँ। फिनिश पर आने के बाद वापस हम किस पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, वही सेम आपको सेव का ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिए। सेव के लिए मांग रहा है, आप यहाँ पर सेव कर देंगे तो सेम वही ऑप्शन आपको जैसे पहले दिखाई दे रहा था वही ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा। आपको नेम दे देना किस नाम से आपको सेव करना है, ठीक है, इस टाइप से। आप अब इसके अंदर और ऑप्शन देखेंगे स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर, तो ये आपका लेटर्स, ईमेल मैसेज, मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एनवलप मैं पहले भी बता चुका हूँ, या फिर आप एक साथ कोई भी एड्रेस रिलेटेड एनवलप भी प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मल्टी एड्रेस के लिए एनवलप भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आपको एनवलप की फॉर्मेट चाहिए वो ले लीजिए, ओके कर लीजिए और ओके कर देंगे तो आपके क्या होगा, यहाँ पे एक एनवलप की डिटेल आ जाएगी और इसके अंदर आपको क्या क्या उसका एनवलप के लिए प्रिंट करना है वो आप यहाँ से इसको क्या कर लीजिए प्रिंट के लिए। जैसे क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे प्रीव्यू कर रखा है, फिलहाल मैं प्रीव्यू से क्लिक करा दूंगा। मैं उसका क्या शो करा देता हूँ, एड्रेस शो करा देता हूँ। एड्रेस के बाद में यहाँ पर फिलहाल मैं इसी को सिटी ले रहा हूँ, पोस्ट सिटी की जगह, ठीक है। यहाँ पर ये सिटी ले ली और उसके बाद में क्या शो करा देता हूँ, इसका पिन कोड। ये मेरा एक एनवलप एड्रेस है, यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना फॉर्म खुद का एड्रेस दे देंगे, तो जो भी हमारा एड्रेस होगा यहाँ पर हम खुद का एड्रेस टाइप कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल नॉर्मली एड्रेस दे दिया, ये मैंने क्या किया यहाँ पर अपना खुद का एड्रेस दे दिया। अब साथ ही साथ मेरे ये ऑप्शन है, मैं यहाँ पे प्रीव्यू करूंगा तो देखिए इस टाइप से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, आपको नीचे का एड्रेस चेंज होते जा रहे हैं। अब आपको एक साथ ही क्या करना है, इन एनवलप को प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके क्या होंगे, आपके जितने भी एड्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं उन्हीं एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके अलग अलग क्या प्रिंट हो जाएंगे, एनवलप प्रिंट हो जाएंगे। जैसे मैं मान के लिए कि यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एनवलप के नाम से सेव कर देता हूँ। सेव किया यहाँ पर, अब जैसे ही सेव करूंगा तो देखेंगे हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर आते हैं और यहाँ पर हम एनवलप ओपन करेंगे तो जितने भी मैंने एड्रेस दिए थे उनके नाम से अलग अलग क्या हो जाएंगे, हमारे एनवलप क्रिएट हो जाएंगे। मतलब ये हमारा फ्रॉम एड्रेस हो गया और ये टू, ठीक है। ये हमारा कृष्णा गुप्ता का होगा, ये श्याम सिंह का हो गया, ये हमारा किशन कुमार का हो गया, ये हमारा मोहन सिंह का हो गया। तो आप इस टाइप से क्या बना सकते हो, एनवलप भी वहां से क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा ऑप्शन होता है यहाँ से एनवलप। उसके बाद आप देखेंगे तो लेवल्स, तो लेवल्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको किस टाइप से लेवल्स बनानी है तो आप लेवल भी बना सकते हो। एक ऑप्शन होता है इसके अंदर डायरेक्टरी। देखिए डायरेक्टरी की बात करें तो डायरेक्टरी होता क्या है, जैसे आपने कोई भी रिकॉर्ड है, आपने जो डेटा बनाया है, आपका कोई एड्रेस का रिकॉर्ड या किसी भी चीज का रिकॉर्ड, आप चाहते हो उस सारे डेटा को एक ही पेज पर प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, उस समय आप डायरेक्टरी का यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्टरी पर क्लिक करूंगा, डायरेक्टरी पर क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पर आता हूँ और यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने जो डिटेल दी थी वो सात कॉलम थे तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सात कॉलम की एक टेबल ले लेता हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अंदर आता हूँ, मेलिंग्स के अंदर आऊंगा और यहाँ पर किस पे आऊंगा, स्लैक के अंदर। यहाँ पे फिर से वापस मैं किसका यूज करता हूँ, यूज एग्जिटिंग लिस्ट का यूज करता हूँ और अपनी उस वाली फाइल को क्या करता हूँ, यहाँ पर ओपन करा देता हूँ। ओपन कराने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सारे कॉलम्स को यहाँ पर इंसर्ट करा लीजिए। जैसे मेरा कैंडिडेट नेम था, कंपनी नेम, उसके बाद यहाँ पे मैं शो करा लेता हूँ एड्रेस, यहाँ पे मेरा एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद मैं यहाँ पे पिन कोड ले लेता हूँ तो यहाँ से मेरा पिन कोड, पिन कोड के बाद मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन, तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन शो करा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट, मुझे किसको रिपोर्ट करनी है वो मैंने यहाँ पर रिपोर्ट ले ली। और मैं सिटी, कि किस सिटी के अंदर मेरी क्या पोस्टिंग होगी तो यहाँ पर मैंने सिटी ले लेता हूँ। तो इस टाइप से क्या किया मैंने, यहाँ पर इनको इंसर्ट करा लिया। अब इंसर्ट कराने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा तो जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा तो इसका एक नाम का रिकॉर्ड मेरा यहाँ पर आ चुका है।
मैं इस पेज को थोड़ा लैंडस्केप कर लेता हूँ तो मेरा पेज के अंदर पूरी डिटेल्स आ जाए। तो यहाँ पे लेआउट्स के अंदर आऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लैंडस्केप पेज कर देता हूँ, और लैंडस्केप पेज करने के बाद इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ स्टेप से। क्लियर। अब क्या करना है कि मुझे ये मेरा अभी जो डेटा है ये एक नाम का डेटा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने मेरे 10 नाम के रिकॉर्ड था वो सारा शो कराए। तो उसके लिए या तो आपको प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट कर सकते हो, सेंड करना तो सेंड। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एडिट इंडिविजुअल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद ओके करूंगा। जैसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे तो आपका एक ही पेज पर आपके 10 नामों का जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पर आ चुका है। फिर आप इसे एक बार में क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो ये, ठीक है, इस टाइप से। अब इसके ऊपर आपको हेडिंग शो करानी तो आप क्या करिए, यहाँ पर लेआउट्स में आइए और लेआउट्स में आने के बाद में इसके ऊपर एक रॉ इंसर्ट करा लीजिए। अब यहाँ पर क्या करिए, आप अपनी डिटेल्स मतलब आप अपने जो हेडिंग्स है वो आप यहाँ पर हेडिंग लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया कैंडिडेट नेम, ये यहाँ पर मैंने कॉलम कर दिया। अब इनको क्या करेंगे, हम एक साथ यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। तो इस टाइप से आप क्या बना सकते हो, डायरेक्टरी बना सकते हो। क्लियर। तो आप या तो स्टेप बाय स्टेप से यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट एंड रिसीव के अंदर भी जाके आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये यूज होता हमारा स्टार्ट मेल मर्ज का यूज। इस वीडियो के अंदर आपने देखा जो मैंने आपको बताया वो स्टार्ट मेल मर्ज का यूज बताया है। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर मैंने आपको लेटर्स सेंड करना, कोई एनवेलप सेंड करना, साथ ही साथ मैंने आपको इसके अंदर टाइप इन नेल लिस्ट बनाना बताया। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टार्ट मेल मर्ज का यूज बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।